Hello students, how are you to all? I hope all of you feel good. Stay safe at home, children. Today, I am going to start chapter number 1 of our social science book. And the name of the chapter is The Lively East. In this lesson, we will read about some cities in eastern India. इस चैप्टर में हम कुछ ईस्टर्न इंडिया की सिटीज के बारे में पढ़ेंगे. नाउ वी विल टॉक अबाउट कोलकाता. कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल. कोलकाता कैपिटल है वेस्ट बंगाल की. इट वॉज अर्लियर कॉल्ड कैलकाटा. इसको पहले कैलकाटा के नाम से जानते थे. किसको? कोलकाता को. कोलकाता इज सिचुएटेड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर हुगली. कलकत्ता शहर हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है. इट इज अ मेजर पोर्ट. यहाँ पर बंदरगाह है. कहाँ पर? कोलकाता में. द हैंगिंग ब्रिज ऑन द हुगली वॉज कॉल्ड हावड़ा ब्रिज. एक ब्रिज हुगली रिवर पे बना हुआ है, हवा में लटकता हुआ. दैट इज कॉल्ड हैंगिंग ब्रिज. द हैंगिंग ब्रिज ऑन द हुगली वॉज कॉल्ड हावड़ा ब्रिज. उसी को हावड़ा ब्रिज के नाम से जानते हैं. इट इज नाउ कॉल्ड रविंद्र सेतु. हावड़ा ब्रिज को ही अब रविंद्र सेतु कहने लगे. अनादर ब्रिज हैज बीन बिल्ट ऑन द रिवर. इसी रिवर पे एक ब्रिज और बना हुआ है. इट इज कॉल्ड विद्यासागर सेतु. द विक्टोरिया मेमोरियल वॉज बिल्ट इन मेमोरी ऑफ क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड. यहाँ पर एक पिक्चर दे रखा है, एक चित्र दे रखा है. ये इट इज द पिक्चर ऑफ विक्टोरिया मेमोरियल. ये चित्र है विक्टोरिया मेमोरियल का. इट वॉज बिल्ट इन मेमोरियल ऑफ क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड. इंग्लैंड की महारानी की याद में बनाया गया था. इट इज नाउ अ म्यूजियम. अब ये एक म्यूजियम है. स्टूडेंट्स, इट इज अ पिक्चर ऑफ हावड़ा ब्रिज. इट इज अ पिक्चर ऑफ विद्यासागर. दैट मीन्स अनादर ब्रिज हैज बीन बिल्ट ऑन द रिवर. विच रिवर? हुगली रिवर. इट इज called Vidyasagar Setu. Now let us talk about climate of Kolkata. Kolkata is neither hot nor cold. Kolkata ka climate na jyada garam na jyada thanda hai. It receive heavy rain between June and September. Yahan par heavy rain hoti hai June aur September ke beech mein. The weather is warm and humid during this month. Yahan ka mausam in dinon mein warm और ह्यूमिड हो जाता है. कोलकाता इज ओके. स्टूडेंट्स, लेट अस टॉक अबाउट पीपल. पीपल ऑफ कोलकाता, मोस्ट पीपल वेयर धोती कुर्ता और शर्ट ट्राउजर. यहाँ के जो जेंट्स, जो आदमी होते हैं, दे वेयर धोती कुर्ता एंड शर्ट ट्राउजर. वुमेन वेयर साड़ीज, सलवार कमीज, जीन्स एंड स्कर्ट. यहाँ की लेडीज साड़ीज, सलवार कमीज, जीन्स और स्कर्ट पहनते हैं. बंगला इज द मेन लैंग्वेज ऑफ कोलकाता. कोलकाता की मेन लैंग्वेज है, दैट इज बंगला. मोस्ट मैन वियर धोती कुर्ता एंड शर्ट ट्राउजर. जेंट्स और लड़के, बॉयज, दे वियर धोती कुर्ता एंड शर्ट ट्राउजर्स. वुमेन वियर साड़ी, सलवार कमीज. गर्ल्स वियर जीन्स एंड स्कर्ट. बंगला इज द मेन लैंग्वेज ऑफ कोलकाता. कोलकाता शहर की मेन लैंग्वेज है बंगला. मोस्ट पीपल ईट राइस, फिश करी एंड रसगुल्ला आर पॉपुलर फूड आइटम. कोलकाता के पॉपुलर फूड आइटम है राइस, फिश करी एंड रसगुल्ला आर द पॉपुलर फूड आइटम ऑफ कोलकाता. पीपल एंजॉय सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स. यहाँ के लोग, कोलकाता के लोग फेस्टिवल्स एंजॉय करते हैं. दुर्गा पूजा इज द मेन फेस्टिवल इन कोलकाता. कोलकाता का मेन फेस्टिवल है दुर्गा पूजा. पीपल ऑल्सो लाइक टू वॉच क्रिकेट एंड फुटबॉल. यहाँ के लोग क्रिकेट और फुटबॉल देखना भी पसंद करते हैं. द रसगुल्लास ऑफ कोलकाता आर वर्ल्ड फेमस. जो कोलकाता के रसगुल्ले हैं वो वर्ल्ड फेमस है, दुनिया में सभी जगह फेमस हैं. नाउ लेट अस टॉक अबाउट इंडस्ट्रीज ऑफ कोलकाता. कोलकाता की इंडस्ट्रीज. देयर आर मैनी इंडस्ट्रीज इन कोलकाता. कोलकाता में कई सारी इंडस्ट्रीज हैं.
like jute, silk, rice, paper and chemicals are a few important industries. जैसे जूट की इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री, राइस पेपर इंडस्ट्री एंड केमिकल्स आर अ फ्यू इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज. कुछ इंडस्ट्रीज के नाम दिए हुए हैं आपकी बुक में. ये सारी इंडस्ट्रीज कहाँ पर है? कोलकाता में. नाउ लेट अस टॉक अबाउट ट्रांसपोर्ट. कोलकाता हैज एन अंडरग्राउंड मेट्रो. कोलकाता में अंडरग्राउंड मेट्रोज हैं. ट्रैम्स ऑल्सो रन इन सम एरिया. ट्रम्स ऑल्सो लाइक अ मेट्रो ट्रेन. जो ट्रम्स होती हैं वो बिल्कुल मेट्रो की तरह दिखाई देती है. इट ऑल्सो रन इन सम एरिया. जो ट्रम्स हैं वो कलकत्ता में आज भी चल रही हैं कुछ एरियाज में. कोलकाता इज द ओनली सिटी वेयर ट्रैम्स आर स्टिल इन यूज. कलकत्ता भारत का एक ऐसा शहर बचा हुआ है जहाँ पर आज भी ट्रैम्स यूज होती हैं. द मेन रेलवे स्टेशन आर हावड़ा एंड सिल्डा. यहाँ पे दो मेन रेलवे स्टेशन है, हावड़ा एंड सिल्डा. कोलकाता हैज एन अंडरग्राउंड मेट्रो. कोलकाता में अंडरग्राउंड मेट्रो है. ट्रैम्स ऑल्सो रन इन सम एरिया. कुछ एरियाज में ट्रैम्स चलती हैं. कोलकाता इज द ओनली सिटी वेयर ट्रैम्स आर स्टिल इन यूज. आज भी कलकत्ता में ट्रैम्स यूज हो रहे हैं. देयर आर टू मेन रेलवे स्टेशन इन कोलकाता, दैट इज हावड़ा and Sealdah. Both are the main railway stations of Kolkata. Now, tourist attraction of Kolkata. There are many places to see in this city. इस सिटी में कई सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन है, कई सारी प्लेसेस हैं. विक्टोरिया मेमोरियल, फोर्ट विलियम, बिरला प्लैनेटेरियम, अलीपुर जू, निक्को पार्क, रविंद्र सरोवर. दीज आर द टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ कोलकाता. कलकत्ता के ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है क्या क्या? विक्टोरिया मेमोरियल, फोर्ट विलियम, बिरला प्लैनेटोरियम, अलीपुर जू, निक्को पार्क, रविंद्र सरोवर, बेलूर मैथ एंड साइंस सिटी. ये सब टूरिस्ट अट्रैक्शन है. दीज आर द टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ कोलकाता. आर सम पॉपुलर प्लेसेस टूरिस्ट लाइक टू सी. वहां पर जो लोग जाते हैं इन सब प्लेसेस को देखना पसंद करते हैं. नाउ हियर वन फोटो इज दिस. दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट जॉय. कलकत्ता के लोग बहुत हर्षोल्लास से दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट करते हैं. नाउ लेट अस टॉक अबाउट भुवनेश्वर. भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ ओडिशा. भुवनेश्वर ओडिशा की कैपिटल है. इट इज ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ टेम्पल्स. इसे सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहा जाता है. समर्स फ्रॉम मार्च टू मे. समर सीजन शुरू हो जाता है मार्च से मई तक. आर हॉट एंड ह्यूमिड. वहां का क्लाइमेट कैसा हो जाता है? हॉट एंड ह्यूमिड. विंटर्स आर नॉट वेरी कोल्ड. ठंडियां यहाँ पे ज्यादा नहीं पड़ती हैं. उड़िया इज द मेन लैंग्वेज ऑफ भुवनेश्वर. उड़िया यहाँ की मेन लैंग्वेज है. कहाँ की? भुवनेश्वर की. खांडागिरी एंड उदयगिरी आर फेमस फॉर देयर रॉक कट केव्स. भुवनेश्वर में दो जगह है, खांडागिरी एंड उदयगिरी. ये फेमस है पत्थरों को काट कर केव्स बनाई गई है, गुफाएं बना गई है. द ओडिशा स्टेट म्यूजियम, पठानी, समंता प्लैनेटोरियम, नंदनगन जू एंड कन्नाजी लेक आर सम पॉपुलर प्लेसेस विद टूरिस्ट. ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है कुछ. भुवनेश्वर इज फेमस फॉर इट्स स्टोन वर्क. भुवनेश्वर स्टोन वर्क के लिए फेमस है, बेल मेटल वर्क के लिए, वुड कार्विंग के लिए फेमस है एंड पतचित्र पेंटिंग. पतचित्र पेंटिंग के लिए भी भुवनेश्वर फेमस है. भुवनेश्वर इज फेमस फॉर इट्स स्टोन वर्क, बेल मेटल वर्क, वुड कार्विंग एंड पतचित्र पेंटिंग. सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो it is enough to you. Meet you in the next video. Good day.